Recording started. Sharing screen. Okay. Okay. मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? नहीं हाँ सर दिख रहा है. हाँ सर अभी दिख रहा है. ओके कौन है ये? म्यूट करो. लास्ट टाइम इतना हुआ था ठीक है. पीएसआई पर नियत तक हुआ था. आज का टॉपिक है बेसिक टॉपिक है आज का. सर तृप्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हाँ मैंने किया प्रूफ. इसके पहले एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इन रिलेटिव पद आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ आ रहा है. वेट अ मिनट. स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर. ठीक है तो ये तुमको दिख रहा है सबको? ये अपना टॉपिक है आज का. पहला है क्रिएशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर. सेकंड है फाइल. अपन जब फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेंगे तो उनको मर्ज कैसे करेंगे? अपेंड एंड कॉन्कैटिनेशन. ठीक है ये अपेंड और कॉन्कैटिनेशन क्या होता है तुमको पता चल जाएगा आज सिखाऊंगा मैं. और सेकंड थर्ड जो है बहुत मोस्ट बहुत सिंपल सा चीज है बट बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोगों को नहीं समझता फिर भी. ठीक है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ. दो टाइप का पाथ होता है बेसिकली लिनक्स में. जब तुम कमांड लाइन से कुछ भी हैंडल कर रहे हो तो ये तुमको अगर पता होगा तो तुम बहुत इजीली कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है तो ये तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है मैं तुम्हें बता दूंगा. ठीक है ये जब तीनों क्लियर हो जाएगा तुम्हारा फाइल्स और एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ फिर बाद में तुम
तुम्हारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो, कॉपिंग कॉमा मूविंग। मेरे आवाज मुझे गूंज रहा है तो जो सब लोग खुद को म्यूट रख दो। हेलो नहीं सर, आवाज बराबर आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे ही तुम लोग में से किसी का इसमें से आवाज आ रहा है शायद, तो जो बात नहीं कर रहा हूँ म्यूट करो। ठीक है, ठीक है स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये अपना टर्मिनल है, सबको पता है ना टर्मिनल, किसको कुछ इसमें डाउट है, कुछ थोड़ा सा बेसिक कुछ पूछना है, कुछ डाउट क्वेरी पहले का कुछ भी तो बोलो स्टार्ट करने से पहले। सर वो टेल यूज क्यों करते हैं वो डेट कमांड में? ठीक है, नया टॉपिक आ गया। ठीक है, तो दो कमांड बेसिकली मैं तुमको बताऊंगा अभी, हेड और टेल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फाइल क्लियर कमांड तुमको पता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्लियर अभी इसमें मैं देखूंगा मेरे पास क्या है होम डायरेक्टरी में। ठीक है, वी टू बी फोल्डर में जाता हूँ, वी टू बी में गया मैं। ठीक है, अब मैं कौन से फोल्डर में हूँ, एक सेकेंड, विम अब मैं कौन से फोल्डर में हूँ कैसे देखूंगा बताओ? PWD। ठीक है, PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं हूँ मेरे होम डायरेक्टरी में /home/binbash। मैं कौन सी यूजर से लॉग्ड इन हूँ? binbash। ठीक है, binbash bash। थोड़ा ये ज्यादा कूल सर, टिल्ड कमांड इससे यूज करते हो होम डायरेक्टरी में कौन सा यूजर करंटली लॉग इन है? नहीं कुछ भी बताने दो, मैं बता रहा हूँ। ऑटोनॉमस ना, वही पता। गलत बोला तुमने, गलत जवाब। ठीक है, तो अभी देखो अपन अभी एक सेकंड, वेटिंग रूम में कौन है? सॉरी मैं म्यूट पे था, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको अभी भी? हाँ सर। ओके, तो अभी अपन एक बेसिकली छोटा सा फाइल बनाएंगे, फाइल .txt कुछ भी तुम नाम दे सकते हो, और ये कमांड है vim। ठीक है, ये अपन देखने वाले आज vim कमांड यूज होता है नया फाइल बनाने को। ठीक है, vim यूज कर सकते हो या vi यूज कर सकते हो, दोनों भी सेम ही तुम्हारे लिए, तुमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं vi यूज करूँ vim यूज करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं vi यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारी लाइंस लिख दिए। ठीक है, अभी मैं इसको इसका अभी इधर देखो फाइल बन गई, वो दिख रहा है फाइल .txt एंड वाली। अगर उसका कंटेंट तुमको देखना है तो cat कमांड यूज करो लिनक्स में, कोई भी फाइल का कंटेंट तुम्हें देखना है cat तो cat space file name। ठीक है, अब मैंने किया, अभी इसमें देखो एक्चुअली कितने लाइंस है टोटल, wc-l इसमें है 39 लाइंस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा समझने के लिए, फाइल .txt इसके एंड में एक लाइन डालता हूँ सबसे एंड में, एंड में तीन लाइन क्या डाला मैंने, बाय बाय ऑल, बाय बाय ऑल। ठीक है, अब फिर से मैंने कैट किया, तो दिख रहा है वो आया, लेकिन अगर समझो इमेजिन करो मुझे सिर्फ ऊपर के पांच लाइन देखनी है फाइल के स्टार्टिंग के पांच लाइन,
ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के दो तीन लाइन मतलब कुछ लाइंस में स्टार्टिंग में स्टार्टिंग हियर ऐसा लिख दिया, ठीक है, हेड हेड करना पड़ेगा। तो तुम्हें कोई भी फाइल का अगर स्टार्टिंग का कुछ देखना है, मतलब शुरुआत की चीजें देखनी है, कोई फाइल या फिर कोई भी आउटपुट, समझ रहे हो, मतलब ऊपर का कुछ देखना है, एक बहुत सारा सारा आउटपुट है ना, तुम्हें अगर शुरुआत का देखना है, बीच का देखना है, एंड का देखना है, तो सब कमांड्स होते हैं। तुम अगर शुरुआत का देखना है तो पाइप लगा के क्या लगा दो, हेड हेड लगा दोगे तो सिर्फ 10 लाइन बाय डिफॉल्ट उसमें तुम्हें 10 लाइन दिख जाएंगे। अगर तुम्हें शुरुआत की सिर्फ दो लाइन देखनी है तो टू हेड टू, और हेड में अगर कुछ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस दिखता है तुमको, 10 ठीक है, हाइफन 1 ठीक है। अभी एंडिंग में क्या लिखा था मैंने, याद है किसी को? हां डब्ल्यूस कुछ तो, बाय बाय ऑल, बाय 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 ऑल। हां तो bye अगर bye. तो एंडिंग के देखने के लिए क्या करेंगे, टेल टेल, देखो इसका कमांड का मीनिंग है, टेल नीचे होता है, मतलब एंडिंग का पार्ट के लिए टेल याद रखो, और हेडर अगर कोई भी चीज का शुरुआत देखना है तुमको तो क्या करोगे, हेड हेड। तो अभी देखो टेल भी सेम हेड की तरह है, वो बाय डिफॉल्ट तुमको 10 लाइंस दिखाएगा, समझ रहे, बॉटम से। बट अगर तुम्हें समझो लास्ट के दो लाइन देखनी है तो टेल हाइफन 2 टेल 2 हाइफन 2 हाइफन देना पड़ेगा क्योंकि ये आर्गुमेंट है, मोस्टली आर्गुमेंट्स में अपन हाइफन लगाते हैं, समझे, टेल और हेड। यस सर। अभी देखो अभी जो कमांड है तुमने क्या किया, तुमने पहले सर डेट कमांड में टेल का क्या डेट कमांड में टेल का क्या यूज है, डेट कमांड में नहीं, डेट नहीं, कैल कमांड में पूछ रहे तुम, राइट? हां कैल तो हां, ये भी देखो कैल एक आउटपुट है, दिख रहा तुमको कैलेंडर का आउटपुट, ठीक है। अब इमेजिन करो ये जो आउटपुट है मुझे इसमें का ना एंड का दो लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा तुम बताओ सर, टेल 2 लिखना पड़ेगा। हां देखो टेल 2 यूज करना, मतलब तुमको कैलेंडर कमांड का आउटपुट का जो कैल कमांड का जो आउटपुट है उसमें के तुम्हें आखिरी के दो लाइन चाहिए, राइट? तो अभी तुमको क्या करना है, कैल कमांड का आउटपुट को तुमको देना है टेल के इनपुट में, तो कभी भी किसी का आउटपुट किसी को इनपुट में देना है तुमको तो मर्जिंग करना पड़ेगा, तो मर्जिंग के लिए अपन पाइप यूज करते हैं, ठीक है? यस सर। आउटपुट पे पाइप के अंदर चला गया, अभी ये पाइप से कौन यूज करेगा, टेल, टेल, ठीक है। और टेल में तुमको क्या चाहिए तुम लिख दो, तुम अगर दो लिख दोगे तो तुमको हाइफन हाइफन 2 दिख रहा है, समझ रहे, तो वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर कहीं भी यूज कर सकते हो, फाइल में, कंटेंट में, किधर भी, लिनक्स में तुमको कहीं भी कुछ भी तुम जो कंट्रोल कर रहे हो तुम टेल हेड यूज करो, तुमको जैसे यूज करना है, समझा? हाँ साहिल समझा क्या? हाँ सर। सर वो ब्लैंक लाइन को भी एक लाइन काउंट कर रहेगा, लाइन तो है ना वो, उसमें तुमने कुछ लिखा नहीं है तो उसका गलती नहीं है ना, इट इज ए लाइन, राइट? हाँ तो वो काउंट करेगा। इसमें कुछ डाउट नहीं सर? नो सर। पहले का कुछ डाउट नहीं है किसी को? तो हेड टेल कमांड हो गया सर? हो गया पक्का? मैं फिर क्वेश्चन पूछूं इसमें एक छोटा सा? यस सर। अभी सर वो, हाँ सर वो कैलेंडर का जो ऊपर फर्स्ट लाइन है जो संडे मंडे ट्यूसडे, अगर उसको निकालने का तो कौन सा कमांड था सर? अभी देखो कैल कमांड है, ठीक है, उसमें का तुमको क्या निकालना, संडे मंडे निकालना कि अप्रैल निकालना कि दोनों निकाल देने? दोनों निकालना, संडे मंडे, सिर्फ संडे मंडे निकालना है तो थोड़ा ट्रिकी होएगा। नहीं पूरा रो सर, वो संडे मंडे वाला पूरा रो, पूरा रो, तो अप्रैल अप्रैल 2020 वो भी निकालना है क्या? नहीं अप्रैल लिखे उसके बाद 1 2 3 संडे मंडे रो निकाल दो। हाँ तो इसमें तुमको टेल हेड का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि देखो अगर तुमको पहले मैं इसका बता देता हूँ, टेल हेड पे है तो पहले टेल हेड का आउटपुट दिखाता हूँ। अगर तुमको देखो अभी नीचे से काउंट करते हैं, देखो एक सेकंड, एक लाइन नहीं, वन टू, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, नीचे की सिक्स लाइन में अपन ले सकते हैं, वो दोनों गायब हो जाए। कौन है जो पेंसिल से कर रहा है, दिख रहा है? इतना समझा? अब मैं सेवन करूंगा तो क्या होएगा, संडे मंडे आ गया, लेकिन अप्रैल नहीं दिख रहा है। अभी तुमको अप्रैल भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये टेल हेड से नहीं हो पाएगा, टच बोलेंगे तो।
वो कैसे करेंगे देखो फिर से बताता हूँ अभी. कैल करोगे और पाइप ग्रेप. ग्रेप पता है किसके लिए यूज होता है? आउटपुट ग्रेप सिलेक्टेड. आउटपुट नहीं, कुछ चीज सेलेक्ट करने के लिए, कुछ पैटर्न, कुछ लाइन, कुछ लाइन. अभी देखो, अभी इमेजिन करो तुमको संडे मंडे वाला लाइन चाहिए, ठीक है? तो क्या करते हैं, ग्रैब एस यू संडे मंडे. अभी तुमको इसका उल्टा करने का, तुमको क्या करने का है, ये छोड़ के बाकी सब चाहिए ना, तो हाइफन वी लगा दो. ग्रैब का उल्टा करता है ये, मतलब एक्सक्लूड करता है उसको. ओके समझा? तो ग्रैब भी समझ गया तुमको? यस. ग्रैब के यूज क्या बताओ? सर वो पूरा मतलब लाइन सिलेक्ट करता है, मतलब इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना. ये किसका मतलब ग्रेप हाफ? हेलो, ये हाँ कौन बोल रहे हो? शुभम. FICS ना? यस सर. हाँ ठीक है. ग्रेप का क्या है, लाइन सेलेक्ट करता है, बराबर बोला तुमने. कॉलम पे वर्क नहीं करता है वो लाइन पे ऑपरेशन करेगा. उसका दो ऑपरेशन है जो मैंने लिखा है. क्या ऑपरेशन है? मतलब या तो इंक्लूड करेगा या वी लगा देंगे हाइफन, तो एक्सक्लूड करेगा. हां एक्सक्लूड किससे करता है? वी लगाना पड़ेगा सर वो ग्रेप के बाद. सिर्फ वी नहीं, हाइफन वी. हाइफन वी से ऐसे है ना, बहुत सारे ऑप्शंस है एक्चुअली ना लिनक्स में. सब कमांड के साथ तुमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि हाइफन वी एक तुमको पता चला, हाइफन डब्ल्यू है, हाइफन आई है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है. बट वो इतने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. जब तुम उसको डीप में यूज करोगे तो तुम खुद ब खुद उसको पहचान लोगे. पहली बात तो तुमको इधर कमांड का जो बेसिक यूज है वो पता होना चाहिए, तो तुमको पता चल गया ग्रेप का क्या यूज है. तुम उससे पैटर्न ढूंढ सकते हो या फिर एक्सक्लूड कर सकते हो. ठीक सर, सबको समझाइए. तो तुमको ग्रेप पता चल गया, हेड पता चल गया, टेल पता चल गया. तभी छोटा सा एक असाइनमेंट. टेस्ट हेड टेल. टीवाई वालों को ये पहले मैं पूछ चुका हूं, बट स्टिल उनको और एक चांस. FICS वालों को भी. अभी देखो दिख रहा है ये क्या है तुम्हारे सामने? चैट पे कौन है? केतन तू भी है क्या? हेलो हेलो. हाँ केतन भी है क्या? ठीक है चलो. दिख रहा तुमको ये क्या किया मैंने? हाँ क्या किया? फाइल बनाया उसमें 1 to 10 लिखे. ठीक है फाइल बनाया मैंने 1 to 10 लिखे. अभी चलो मुझे ना इसमें से ना सिर्फ वो लाइन चाहिए जिसमें 9 लिखा है. कैसे करेंगे कमांड बताओ. सर हेड 9 ले लेंगे और टेल 1 कर देंगे. हेड हाइफन 9. आगे बोलो क्या करूं मैं? सर वो मतलब पाइप करके उसका जो इनपुट रहेगा वो टेल 1 के आउटपुट में, मतलब वो टेल 1 ले लेगा. कमांड बोलो सीधा मेरे को, मैं क्या टाइप करूं. कमांड नहीं आ रहा है. हेड 9 हेड मुझे सिर्फ ऐसा करना है कि 9 ही डिस्प्ले हो, बाकी कुछ डिस्प्ले ना हो. सर हेड हाइफन 9 ग्रैब पाइप करके ग्रैब. अच्छा पाइप करके ग्रैब. ग्रैब माय हाइफन वी. हाइफन वी क्या और क्या? एसयू क्या? एसयू एसयू
एसयू था ना सर? अरे एसयू वो संडे पैटर्न ग्रैब करने के लिए मैंने एसयू टाइप किया था गधे यार, वाइट कर लिए क्या सर? टेल सर, टेल वन पाइप, टेल वन राइट? हाँ क्या एंटर मारूं? कुछ नहीं आ रहा है। हाँ सर, सर वो फोल्डर का नाम, रुको मैं बताता हूँ। अभी देखो ये फाइल का नाम क्या, पहली बात तो फाइल पे ऑपरेशन करना है, फाइल का नाम कौन बोलेगा? अभी देखो सबसे सर वही फाइल का नाम ही बोला। सबसे सिंपल तुम ग्रैब कर सकते हो, नाइन को ग्रैब कर लो। हाँ आ गया नाइन, समझा सबको? हाँ सर, इतना सिंपल था ये। और अगर तुमको ग्रैप यूज नहीं करना है तो तुम हेड टेल से कर सकते हो। पहले क्या करो, तुमको नाइन्थ लाइन चाहिए राइट, तो तुम क्या करो, टेल हाइफन नाइन फाइल नेम आ गया नॉल, नहीं एक सेकेंड सर, हेड किया। अब क्या करोगे, पाइप टेल माइनस वन, दिख रहा है? तुमने हेड और टेल की मदद से वो पर्टिकुलर लाइन ग्रैप किया। यही सर। अभी चलो मुझे कमांड बताओ, मुझे ना थ्री टू सेवन प्रिंट होना चाहिए, थ्री टू सेवन बताओ सर। टेल से हेड, तुम हेड सेवन, तुम रहने दो, तुम रहने दो, कोई टीवाई का बताओ। हेड हाइफ़न टू, हेड हाइफ़न टू, हेड हाइफ़न सेवन, सेवन सेवन, अच्छा हाइफ़न सेवन फाइल नेम, फाइल नेम। मैंने मैंने तुमको इसका आउटपुट दिखा दिया, अभी बताओ। अभी वापस से हेड है, फिर उसका टेल आएगा, हाइफ़न सेवन, फिर टेल, हाँ सर ग्रैप टेल, रीस है ना सर, वन टू फाइव, टेल हाइफ़न फाइव। राइट आंसर, कौन है ये, कौन, किसने आंसर दिया? विशाल और सर। अच्छा ठीक है, समझा कैसे करने का हेड टेल। तो ऐसे तुम थोड़े थोड़े लॉजिक लगा के तुमको जो करने का तुम वो ले सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल कमांड्स, तो तुमको क्या अचीव करना है डिपेंड्स, ठीक है? ये बेसिक था, समझा सबको ये हेड टेल? ठीक है सर। तो अभी अपन जाएंगे क्रिएशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स थर्ड पॉइंटर पे। कितना बच गया, 15 में फाइल फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? पहला है टच, दूसरा है VI, या तो फिर विंडो भी सेम ही है। और कोई पता है तरीका? सर कैट से, मैंने लिख ही दिया था, तुमने देख लिया चीटर लोग। नहीं सर, बोल दिया कैट। अरे अपना टाइम आउट ऑफ टाइम हो रहा है, विल एंड एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है फटाफट। हां सर, वो 40 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाता है। बट सर VI का नहीं हुआ, क्यों? क्या क्या VI का लेक्चर नहीं हुआ एंड, पूरा टाइम चला मतलब। हां पता नहीं कभी वो कैसे होता है, शायद किसका था, शाहिद सर का था क्या? शाहिद सर का। हां तो शायद जो स्टार्टिंग में जो Zoom यूज करता है, तो स्टार्टिंग के कुछ मीटिंग्स को वो नया हां। इतना देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन यूज करेगा? नहीं फ्री है, ऑर्गेनाइज टीचर एजुकेशन के लिए फ्री है वो, बट क्लासेस के लिए फ्री कुछ तो सर। अभी कुछ तो डेटा लीक हो रहा था इसमें। अरे हाँ तो डेटा लीक हो रहा, होने दो ना, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, अपना कौन सा बड़ा बैंक है सर, तुम्हारा ये होने दो, डेटा लीक अपना डेटा लीक हो गया तो अच्छा ही है ना क्लासेस में। अच्छा ही सर, वही बोल रहे सर, वो V2V क्लास का बड़ा सा वो लगा दो एक बगल में। हाँ लगाता हूँ, कल लगा, ठीक है। अभी आओ, तीन तरीके है फाइल क्रिएट करने का, लिख लिया है जिसने जैसे। हाँ सर राइट, तीन तरीके हैं, टच, विम और कैट, ठीक है। पहले मैं टच से बताता हूँ, टच का यूज पता है किसी को तो बोलो जल्दी। सर ब्लैंक फाइल क्रिएट, ब्लैंक फाइल क्रिएट कर, फाइल क्रिएट करने के लिए एंटी, स्मार्ट, राइट आंसर। बूंगी बूंग, हाँ क्या माहिती तुला, टच से क्या होता है, ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हैं। देखो प्रथमेश म्यूट कर, हां प्रथमेश म्यूट कर, सब घर की बातें सुनाई दे रही है, ठीक है। टच करते हैं,
फाइल वन, मल्टीपल तुम क्रिएट कर सकते हो एक ही साथ, ठीक है, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, ठीक है, मैंने क्रिएट किया, दिख रहा है, ठीक है, लास्ट में क्रिएट हो गया 418, 4:18 पे फाइल क्रिएट हो गई, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल वन, फाइल टू, हाँ, ठीक है, अभी एक बात बताओ, ये फाइल क्रिएट की, अब मैंने अगर फिर से कमांड एग्जीक्यूट कर दो क्या होएगा? ऑलरेडी सर वापस होएगा, ऑलरेडी वैलिड नहीं सर, वो नेम, वो फाइल का नेम है पहले से। अदिति आंसर बोल सर, नहीं होएगा ऑलरेडी, मतलब दिखाएगा कि ऑलरेडी हुआ है सेम, तो नया प्रोसेस हो जाएगा। अरे बाप, ठीक है, और कोई हसन क्या बोलते, तू क्या होएगा सर? वही होएगा, ऑलरेडी क्रिएटेड बोलेगा, फाइल नेम पहले से ही एग्जिस्ट करता है बोलेगा। तृप्ति, शीतल क्या है बोलो, दिखाएगा क्या सर? नहीं, एरर नहीं आएगा सर, वापस क्रिएट हो जाएगा। एक सेकंड मुझे डेट देखना। हेलो हेलो सर, हां हां सर, वापस क्रिएट हो जाएगा फाइल, कुछ एरर नहीं आएगा, वही नाम का फाइल क्रिएट होगा। ऑलरेडी देखो, फाइल तो ऑलरेडी क्रिएटेड हो, क्रिएटेड हो चुका है, तो वो वापस क्रिएट होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है, कुछ नहीं होएगा, ठीक है, दिख रहा है तुमको? नो एरर। जो लोग बोल रहे थे एरर आएगा, वो जरा ध्यान से देखे क्या चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ मुझे बताओ, क्या चेंज दिख रहा है तुमको? सर सेम सर, टाइम चेंज होता है जैसे अपडेट की करना है, टाइम तो चेंज हुआ है उसमें। हां तो टाइम स्टैम्प चेंज अपडेट हुआ है। हां तो टच से क्या होता है, अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करता है ब्लैंक, और अगर ऑलरेडी है तो सिर्फ उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, जो टाइम पे तुमने टच कमांड एग्जीक्यूट किया, समझ रहे हैं? पर जो सेम नाम डाला होगा वही अपडेट, मतलब अपग्रेड करेगा ना। हाँ तो देखो ना, तुमने क्या डाला, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा फाइल वन है क्या, फाइल वन अगर है तो टाइम स्टैम्प अपडेट करेगा, नहीं है तो वो क्या करेगा, बना देगा उसको, सेम फॉर एवरी फाइल, समझ रहे हो? बेसिकली टच कमांड का यूज वही होता है, टाइम स्टैम्प अपडेट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ब्लैंक फाइल बना के कोई क्या कर लेगा, ठीक है। टच था, विम से तुमको पता ही है, यस सर। विम से कैसे करते हैं, वी आई स्पेस फाइल नेम, जो भी तुमको बनाना है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि abc.txt, अगर ये फाइल है, अगर ये फाइल समझो ऑलरेडी है तो ये ओपन हो जाएगी, नहीं है तो नई क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे? हाँ। देखो अभी ये नहीं है तो क्या दिख रहा है इधर, न्यू फाइल, तो ये कुछ नहीं था इसमें, कंटेंट में कुछ भी लिख के इसको ऐसे ऐसे कुछ भी लिखा मैंने। और विम के अंदर देखो, जिसको नहीं पता होगा ध्यान दो, अब मैंने भी इसके अंदर एक कंटेंट लिख दिया है, अभी नीचे लिख दो एंड ऑफ फाइल, ठीक है। अभी देखो इसमें दो मोड होता है, इंसर्ट मोड, एस्केप मोड। अभी मैं एस्केप, क्योंकि मैंने एस्केप दबाया, इंसर्ट मोड पे जाने के लिए मैं आई दबाता हूँ, दिख रहा है नीचे इंसर्ट लिख के है, ठीक है। अभी वापस एस्केप मोड पे जाने के लिए एस्केप दबाया, और एस्केप मोड में तुम कुछ लिख नहीं सकते, तुम सिर्फ ट्रैवर्स कर सकते हो यहाँ से वहां, और शॉर्टकट्स चलता है। तो अगर मुझे अभी फाइल के आगे कुछ लिखना है तो मैंने क्या किया, इधर तक मैं ई तक मैंने आई दबाया, ठीक है, क्या किया, इंसर्ट मोड में आ गया मैं, अब मैंने स्पेस देके मैं जो भी लिखना है मैं लिखूंगा, ठीक है, बाय डॉट। अब मुझे अगर सेव करना है तो तुमको सेव करने के लिए हमेशा कौन से मोड में जाना पड़ता है, एस्केप मोड में। तो मुझे सेव करना है तो मैं इंसर्ट में हूँ, मैं किस में जाऊंगा, एस्केप मोड में, बाय प्रेसिंग एस्केप की, एस्केप दबाया मैंने। अभी सेव करने के लिए देखो हमेशा कोलन दबाना पड़ेगा, पहले क्या दबाना पड़ेगा, कोलन, हाँ, अभी डब्ल्यू से होता राइट, क्यू से होता क्विट। मुझे अगर सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू क्यू, अगर सेव नहीं करना है तो क्या करूंगा, सेव क्यू करूंगा, आई वांट टू सेव इट, डब्ल्यू क्यू, सेव कर दिया, एक्सक्लेमेशन दीजिए, हां एक्सक्लेमेशन देते हैं अगर तुमको फोर्सफुली कुछ करना हो तो, कभी कभी देना जरूरी होता है, कभी कभी नहीं, अगर नहीं बोल रहा है तो मत दो। चलो अपन वो फाइल ओपन करते हैं, टेस्ट, ये दिख रहा है क्या, ये फाइल जो अपन ने किया था जिसमें 10 नंबर लिखे थे, इसमें देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी वो कंटेंट उसने ओपन कर लिया, क्योंकि ये न्यू फाइल नहीं है, समझ रहे हैं? समझा तुमको ये? यस सर। हां सर, अभी अपन कहां पे खड़े हैं, होम स्लैश, और ये फाइल कहां पे है, उधर ही है, इसके लिए तुम उसको, सॉरी सॉरी क्या हो रहा है, इसके लिए तुम उसको वहां से डायरेक्टली ओपन कर पाए। अब इमेजिन करो मैं V2V में चला गया, अब मैं कहां पे हूं, V2V, अब मैं इसको ओपन करता हूं फाइल को, ये ओपन होएगा क्या, क्लिक करो,
उसमें नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि यूजर चेंज हो गया ना। नहीं यूजर चेंज नहीं हो, ध्यान दो। नहीं डायरेक्टरी, पहले तुम कहाँ पे थे? बिन बैश। और वो फाइल कहाँ पे? देखो ये सब फाइल जो दिख रहा है ना, ये सब बिन बैश के फोल्डर में, ठीक है? और ये दिख रहा है, ये लाइन बिन बैश फोल्डर में, और एक फोल्डर है उसका नाम क्या है? V2V। V2V। अब तुम V2V के अंदर चला गए। अब तुम V2V के अंदर रह के वो एक डायरेक्टरी पीछे जो फाइल है उसको ओपन करने का ट्राई कर रहे हो, राइट? तो तुमको नहीं मिलेगा। तो तुम क्या कर सकते हो ओपन करने के लिए, तुम वन डायरेक्टरी अगर तुमको बैक जाना है तो उसका डबल डॉट बोलते हो उसको। समझ रहा है क्या सबको? हाँ। वन डायरेक्टरी बैक को क्या बोलते हैं? डबल डॉट। और डबल डॉट क्या है? वन डायरेक्टरी बैक, प्रीवियस डायरेक्टरी। हाँ, या फिर प्रीवियस भी बोल सकते हैं, या फिर उसको पैरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं यूनिक्स में। हम लोग तो लिनक्स ही चलाते हैं। हाँ ठीक है, लिनक्स। और इसका तुम अगर तुमको डॉट डॉट नहीं यूज करना है तो सबसे बेसिक में चीज से कहता हूँ, अभी एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ पे आता हूँ। अभी देखो, तुम जब भी सिर्फ डायरेक्टली फाइल का नाम देते हो ना तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव पाथ। मतलब तुम सिर्फ फाइल कहाँ पे तुम वो सोचते नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव पाथ। ये जरूरी है कि तुम हमेशा वो जो फाइल है उसके लोकेशन पे खड़े रहो, समझ रहे हैं? अभी अपन वो फाइल के लोकेशन पे खड़े नहीं है, फाइल है बिन बैश फोल्डर में और तुम कहाँ पे खड़े हो? V2V। समझ रहे हैं? तो अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊं तो अब मैं कहाँ पे आ गया? बिन बैश। अब मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, समझ रहे हो? क्यों पॉसिबल हुआ? इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। उसमें स्टोर है। हाँ, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट है, समझ रहे हो? अब जैसे मैं V2V में चला गया तो रिलेटिव पाथ वर्क नहीं करेगा, मतलब डायरेक्टली नहीं करेगा। तुमको कैसा करना पड़ेगा? देखो करेगा, बट तुमको थोड़ा दिमाग लगाना। डबल डॉट देके स्लैश दूंगा तो चलेगा, समझ रहे? समझा। अगर तुम डबल डॉट नहीं लगाओगे तो क्या करेगा? तो ये कमांड का मतलब क्या, लिनक्स क्या करेगा? लिनक्स या यूनिक्स, तुमको लगेगा कि तुमको नया फाइल बनाना है क्योंकि V2V में ये फाइल नहीं है ना। समझा? ठीक है। और एक चीज, अभी रिलेटिव पार्ट का, अगर तुमको ये सब ओवरहेड से बचना है तो हमेशा एब्सोल्यूट पाथ यूज करो। एब्सोल्यूट पाथ क्या बोलते हैं पता है क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे स्टार्ट